हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है महाराज, तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होगा। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे, नहीं स्वीकार। दुख है, तकलीफ है, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्यों भटक रहे हो? वहां गए, उनसे पूछ लिया अंगूठी बता दो कौन सी पहन ले, वो वाली अंगूठी पहन लो, ये वाला नथ पहना, वो पहन लिया, पुखराज पहन लिया, मोती पहन लिया, नीलम पहन लिया, पन्ना पहन लिया, गोमेद पहन लिया, सब कुछ पहना। अब एक बार सब कुछ पहन लिया, सारे तरह के कपड़े बदल लिए, सारे बाबा जोगी बदल लिए, सारे देवता बदल लिए, घर की डिजाइन बदल ली, बाथरूम इधर इधर बना दिया, सीढ़ी तोड़कर इधर लगा दी, पानी का टैंक उधर बना लिया, सारी दुनिया में घूम आए, उसके बाद भी सुख नहीं मिला, तो एक बार शिवरात्रि का भी उपाय कर देते ना, शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं, सुख इतना झेलोगे, सुख का अनुभव इतना होगा कि दुख कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा, ये मुझे उम्मीद है। मेरे विश्वनाथ की कृपा अगर हो गई बस उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण, पांच बेर बोर जो खाते हैं, खाते ना बेर जो बाजार में आते हैं, बोर जो आते हैं खाने वाले, पांच बेर, पांच जो, जो जानते हो वो जो हवन में डलती है, पांच जो, पांच श्वेत पुष्प, पांच कमल गट्टे, पांच काली मिर्च, अपनी कामना करकर ठीक दोपहर के 12 बजे अश्विन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ, झोली पसार का निवेदन करो और बाबा को 11 दीप घी के दिए 11 शिव जी के सामने जला दो, वापिस आओ, शाम के समय जाकर एक चौमुखी दिया भगवान शंकर के मंदिर के सामने चौखट के बिल्कुल बीच में सम्मुख में जलाकर आ जाइए, जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा, ये विश्वास रखना, शिव पूर्ण देगा, कभी खजाने में कमी नहीं आ सकती, भंडार वो भरेगा, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, केवल कुछ पुराण है, शिव महापुराण में तो बहुत उपाय है साहब, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, इन पुराणों में बड़े सुंदर सुंदर उपाय जो लिखे गए, उसको बस समझना है, उसको केवल अपनी जिंदगी में उतारना है। रोग हो गया गुरु जी, बहुत दुखी है, बीमारी ने, कैंसर ने घेर लिया, किडनी लीवर खराब हो गया, हम तो त्रिजुगी नारायण भी ना जा सकते, हम पांडुकेश्वर ही ना जा सकते, आप तो ऐसा उपाय बता दो जो घर में कर ले, बताऊंगा उसका भी उपाय बताऊंगा, कैंसर किडनी लीवर क्या, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडालता, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का, क्या करेगा काल भी, कि मरकर भी जिंदा कर देता है वो देव अधिदेव महादेव हो सकता है, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है वो देव अधिदेव महादेव हो सकता है, जो यमराज को भी मार दे वो देव अधिदेव महादेव हो सकता है, वर्तमान भूत भविष्य सारे कालों का जो स्मरण कर ले वो त्रिकालदर्शी केवल विश्वनाथ। जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है, और सूर्यनारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है, शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। घर की माताओं को एक नियम सर से चालू कर देना चाहिए, क्या नियम, क्योंकि जान है तो जहान है, बोलो सही है कि गलत है, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई और तुमने 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, मानो एक सरल भाषा में समझ लो 5 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, 4 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो और शरीर में बीमारी आ गई, अब वो 5 लाख रुपए तुम्हारे कमाए हुए किसी काम के हैं क्या, हॉस्पिटल में जाओगे
दवाई में, गोली में, चाचों में, वो समाप्त होते चले जाएंगे। तुमने कमाया किसके लिए था? अपने बच्चों के लिए। मेहनत किसके लिए करी? अपने बच्चों के लिए। परिश्रम किसके लिए करा? आगे बढ़ने के लिए। और मालूम पड़ा कि तुम बीमार पड़ गए, जितना तुमने कमा कर जोड़ा था वो सब तुम्हारी बीमारी में लग गया। तो ऐसा कमाना कोई फायदे का है क्या? कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी उससे दुगना कमाओ। पर उसके साथ एक काम चालू करो कि तुम अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो कि नए साल से हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जो हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से, उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा, तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकता। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो, बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है, तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कहे, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है, हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा, उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए, और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, सियोर वाला मारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी जवानों से, युवानों से, जवानों से अगर विहीन हो जाएगी, तो किस काम की? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का? नियम बना लो कि नूतन वर्ष से एक तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन, घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा।